और आखिरकार आ गई है 43rd वीक की बार्क टीआरपी। बार्क टीआरपी यानी वो टीआरपी जिससे ये पता चलता है कि कितने लोगों ने टीवी पर कौन सा शो देखा, किसे बनाया नंबर वन और कौन सा शो हो गया टॉप 10 की लिस्ट से बाहर। तो आइए शुरू करते हैं। इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में नंबर 10 के पायदान पर एंट्री मारी है टीवी शो तुझसे है राब्ता ने। ये शो काफी वक्त से टॉप 10 से गायब था, लेकिन लंबे अरसे बाद अचानक से इस शो ने टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। नंबर 9 की बात करें तो इस पायदान पर है एकदम नया शो शुरू हुआ ये जादू है जिनका। बेहद अनूठे कॉन्सेप्ट पर बना ये शो पिछले हफ्ते भी नंबर 9 पर था। अगर बात करें नंबर 8 की तो इस पोजीशन पर है द इंडियन आइडल। नंबर 7 पर है जी टीवी का कुमकुम भाग्य। इस शो की टीआरपी पिछले हफ्ते भी ऐसी ही थी और नंबर 7 पर ही था। शबीर आलूवालिया श्रुति झा की एक्टिंग की बदौलत ये शो हमेशा टॉप 10 में तो बना ही रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 6 की। इस बार नंबर 6 की पोजीशन पर है कौन बनेगा करोड़पति। इस शो को चलते हुए 19 साल हो चुके हैं, लेकिन लोग इसे लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। नंबर 5 की अगर बात करें तो नंबर 5 पर है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा का कॉमेडी शो लोगों को काफी पसंद आ रहा है और पिछले हफ्ते ये नंबर 8 पोजीशन पर था। नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ मौजूद है कार्तिक और नायरा के रिश्तों की कहानी ये रिश्ता क्या कहलाता है। हालांकि शो को टीआरपी के मामले में पहले के मुकाबले थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी ये टॉप 5 में तो बना ही हुआ है। नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ मौजूद है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, ये शो पिछले हफ्ते नंबर 1 की पोजीशन पर था एंड ऑल थैंक्स टू दिशा वकानी। दिशा की वापसी की वजह से शो से काफी ऑडियंस कनेक्ट हुई और शो को इसका फायदा भी मिला। नंबर 2 पर है कुंडली भाग्य। वैसे तो कुंडली भाग्य कुमकुम भाग्य का ही स्पिन ऑफ है, लेकिन टीआरपी के मामले में कुंडली भाग्य अब अपने मेन शो से भी आगे निकल चुका है। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 शो की। तो जनाब, इस हफ्ते का नंबर 1 शो है छोटी सरदारनी। हालांकि ये शो भी काफी नया है, लेकिन इसने जिस रफ्तार से अपने दम पर टीआरपी लिस्ट में अपनी पकड़ बनाई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। वेल, तो ये थी इस बार की बार्क टीवी टीआरपी। अगले हफ्ते हम आपके लिए एक बार फिर से ऑनलाइन टीआरपी और बाकी टीवी टीआरपी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।